गुड आफ्टरनून एंड एवरी वन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग एंड येट अनदर वीडियो। सो आजकल मैं हूँ शिमला में और यहाँ पे मौसम आजकल रोज़ ही ख़राब होता जा रहा है। अभी भी यहाँ पे बहुत ही फॉगी सा मौसम है और बहुत ही सुंदर मौसम है। तो अभी मम्मी बाज़ार गए थे तो मैंने उनसे मैदा मंगाया, क्योंकि आज मैं एक कुकिंग वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आज हम बनाएंगे समोसे मम्मी की हेल्प के साथ। सो आइए चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। अभी मैं अपनी उसमें फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी और फिर या फिर इजी लगेगी, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। सो लेट्स गो। आए मम्मी ने मैदा, आप देख सकते हो। सो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले हमने जो ये मैदा लिया है इसको हम छानेंगे। अब इसको रेडी करने के बाद हम डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक। और तीन चार चम्मच हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। हम इसमें डालेंगे अजवाइन, पर अजवाइन को ना एक बार दोनों हाथों के बीच थोड़ा मल लेना, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और समोसे भी टेस्टी बनेंगे। अब हम इसको बिना पानी मिलाए मिलाएंगे। इस तरह आपको तब तक मिलाना है जब तक नमक और तेल अच्छी तरह से मिला जाए, क्योंकि अगर नमक और तेल अच्छी तरह से नहीं मिलेगा तो आपका पूरा डो ख़राब हो जाएगा और अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब आपको लगेगा कि हमारा ये पूरा मिक्सिंग पूरी तरह से रेडी है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। जब आप ऐसे मिक्स कर रहे होंगे तो ये आप मेक ऐसे करके करना है आपको। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे अगर ये पूरी तरह से एक लड्डू की तरह फॉर्म हो रहा है, टूट नहीं रहा है आसानी से, दैट मीन्स आपका ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और मिक्स करती हूँ और उसके बाद हम इसमें पानी मिला देंगे। जैसे जैसे मैं इसको गूंद रही हूँ ना, मेरे हाथ भी बहुत ग्रीसी से होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी तरह से बन चुका है और ये हल्का सा ब्राउनिश भी हो गया, मतलब तेल हर जगह मिल चुका है। और अब ऐसे एक बार लास्ट बार मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। ये पूरी तरह से अगर इसमें दरारे आप देख सकते हो, दरारे नहीं है तो बन चुका है ये। और अब मैंने इस पर पानी डालना भी स्टार्ट कर दिया है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसका डो बनाओगे तो बहुत ही हार्ड होना चाहिए, तो पानी आप एकदम से ऐड मत करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करना जितनी ज़रूरत होगी और मिक्स करते रहना साथ साथ। एंड फाइनली द डो इज़ रेडी। इसको मैं अभी ढक देती हूँ। आप इस पर कपड़ा भी लगा सकते हो, पर मैं यही लगा रही हूँ। अब मैंने आलू निकाल दिए, मैं इसको धोती हूँ पहले। और फाइनली मैंने आलू धो के ला दिए और अब मैं डाल देती हूँ इसे कुकर में। जब आप कुकर में आलू डालोगे बॉईल करने को तो उसमें इतना पानी होना चाहिए कि जो ये आलू है ये इसमें डूब जाए। आप देख सकते हो। मैंने आलू छील लिए थे, अब मैं इसको तोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने लगाए हैं
मटर उबालने को. सबसे पहले हम डालेंगे इसमें तेल. Be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया है. ये डाल दिया धनिया, जीरा और ये अदरक लहसुन का पेस्ट. और हम इसको चम्मच से हिलाएंगे. ये डाल दी हमने मेथी और लाल मिर्च पाउडर. अब हमने डाल दी इसमें मटर, डाल दी इसमें आलू. अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. पहले हमने छोटी छोटी इसके रोल्स बना दिए और अब हम इसको बेलेंगे. पहले इसमें दोनों तरफ ऑयल लगाया और अब बेलना स्टार्ट कर दिया है. हम इसको बीच से कट कर देंगे और दोनों तरफ से ऑयल लगा देंगे. और अब इसको हम ऐसे उठाएंगे और ये पानी के साथ इसको चिपका देंगे. और अब बस जो ये टिप थी इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि समोसे से आलू बाहर ना आए. एंड अब इसको अपनी मुट्ठी में इस तरह से पकड़ेंगे. हम इसमें स्टफिंग भरना शुरू कर देंगे. ये हमारा पहला समोसा रेडी हो गया और इसी तरह से हम बाकी समोसे भी बनाएंगे. The forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you. But I won't rush this love. I can wait, even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing. और ये हमारे कुछ समोसे तैयार हो गए. बस अब इसको हम फ्राई कर लेंगे जब हमारे बाकी सारे समोसे तैयार हो जाएंगे. चाय बनाना शुरू कर दिया है और समोसे भी रेडी है. फाइनली चाय उबल गई. अब मैं इसमें डाल देती हूँ चाय पत्ती और चीनी. हमारे समोसे हो गए रेडी. अब हम इसको खाते और इन्जॉय करते हैं. ओके सो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैंने जैकेट डाल दी थी. एंड
दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करना और आप भी बनाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप बनाओगे कि आपके समोसे कैसे बने. एंड थैंक यू वेरी मच टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो. तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ.